नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि फिल्म धूम 4 जो कि यश राज बैनर्जी की सबसे बड़ी हिट फ्रेंचाइजी है, उसके बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स क्या रही है, इसके बारे में आज का पूरा वीडियो है। तो आप वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज जरूर कर लीजिएगा। दरअसल दोस्तों यश राज फिल्म से एक बहुत ही प्रतिष्ठित बैनर माना जाता है, प्रतिष्ठित नाम माना जाता है। 50 वर्ष उनको कंप्लीट हो गए बॉलीवुड में, एक से बढ़कर एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी है, जिसका मैं नाम भी आपको लेना उचित नहीं समझता क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यश राज बैनर ने कितनी जबरदस्त फिल्में हम लोगों को देखने को दी है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से यश राज बैनर संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उनकी एक के बाद एक लगातार 4 फिल्में डिजास्टर साबित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, केवल फ्लॉप साबित नहीं हुई है, डिजास्टर साबित हो चुकी है। चाहे वो बंटी और बबली 2 हो, चाहे जयेश भाई जोरदार हो, चाहे वो शमशेर हो, चाहे सम्राट पृथ्वीराज हो, चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी साबित हो चुकी है। इसके अलावा यश राज बैनर के पास अभी 2 फिल्में हैं, एक आमिर खान के बेटे जुनैद खान को वो लॉन्च कर रहे हैं, और एक दोस्तों एक फिल्म वो रणवीर सिंह के साथ कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों यश राज बैनर की जो सारी उम्मीदें टिकी हुई है वो है टाइगर 3 तथा पठान। पठान जिसमें शाहरुख खान प्रमुख भूमिका में, और टाइगर 3 में सलमान खान नजर आने वाले है, तो इन दोनों फिल्मों पर सारी उम्मीदें टिकी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, एक वीडियो मैंने बताया था आपको, उसमें यह बताया था कि क्यों नहीं यश राज फिल्म्स अपनी सबसे बड़ी हिट फ्रेंचाइजी धूम 4 पर काम करना शुरू करते हैं। धूम 4 से बड़ी तो उनकी कोई फ्रेंचाइजी है नहीं, तो उसकी तीनों जो पार्ट है वो बहुत बड़े हिट रहे हैं। धूम फर्स्ट पार्ट था सुपरहिट रहा था, सेकंड पार्ट ब्लॉकबस्टर था, थर्ड पार्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर था, तो क्यों नहीं वो उस पार्ट को शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। तो दोस्तों अब जो खबर आ रही है धूम 4 से रिलेटेड जो खबरें आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है उसके अनुसार यश राज जल्दी ही धूम 4 को शुरू करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, धूम 4 पर काम शुरू करने वाला है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पठान और टाइगर 3 रिलीज हो जाएगी उसके बाद में यश राज फिल्म्स 2 प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा। एक फिल्म वो होगी जो उसकी स्पाई यूनिवर्स होगी, जिसमें आपको मतलब सलमान खान, शाहरुख खान तथा ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं। अभी तक जो कास्टिंग उसकी हुई है इसके बारे में ये खबरें आ रही है। तो एक तो उस फिल्म पे वो काम करेंगे, इसके अलावा वो धूम 4 पे काम करना शुरू करेंगे, मतलब अगले वर्ष के शुरू में या अगले वर्ष के मध्य तक धूम 4 पर काम करना शुरू कर देंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, कई स्क्रिप्ट उनके पास है, और अब की बार वो केवल धूम 4 ही नहीं बनाएंगे, धूम 5, धूम 6 कंटिन्यूसली मतलब एक सीरीज आती जाएगी, इतना ज्यादा आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा आगे। ये खबर अब सूत्रों के हिसाब से आ रही है। इसके लिए आपको ये भी बता दूं कि अब इस फिल्म को मतलब विजय कृष्ण आचार्य डायरेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि संजय गढ़वी जिन्होंने धूम को डायरेक्ट किया था, जो फर्स्ट पार्ट आया था धूम का जिसमें जिसमें अभिषेक बच्चन तथा जॉन अब्राहम प्रमुख भूमिका में थे, उस फिल्म के डायरेक्टर संजय गढ़वी इसको डायरेक्ट करने वाले है, ऐसी खबरें आ रही है। इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं वो भी आपको बता देता हूँ कि इसमें जो नेगेटिव किरदार है वो हमेशा ही पावरफुल रहा है धूम सीरीज में, तो नेगेटिव किरदार जॉन अब्राहम निभा चुके हैं, आमिर खान निभा चुके हैं, ऋतिक रोशन निभा चुके हैं, तो अब जो अगली कड़ी है उसमें अक्षय कुमार को फाइनल किया जा रहा है नेगेटिव किरदार निभाने के लिए। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अक्षय कुमार धूम 4 में नेगेटिव किरदार में नजर आने वाले है, और उसके बाद में जो आने वाली सीरीज है उसमें सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर, ये सभी कलाकार आपको एक के बाद एक नेगेटिव किरदार में प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। ये पुख्ता रिपोर्ट है। और इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि अभिषेक बच्चन को लेकर के अभी भी संदेह बना हुआ है। अभिषेक बच्चन जिन्होंने एसीपी जय दीक्षित का रोल निभाया है तीनों सीरीज में, और बहुत ही जबरदस्त वो अपने रोल में रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उनके रोल को भी पसंद किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभिषेक बच्चन के रोल को उतना महत्व नहीं दिया गया था जितना विलेन के रोल को इस फिल्म में दिया गया है। विलेन के तीनों ही रोल आइकॉनिक रोल साबित हुए हैं, और लेकिन जो संजय गढ़वी हो, चाहे विजय कृष्ण आचार्य हो, अभिषेक बच्चन का जो जय दीक्षित का जो पोप का किरदार है उनको विलेन के मुकाबले थोड़ा हल्का दिखाया गया है, उतना पावरफुल नहीं दिखाया गया है, और शायद यही एक वजह है कि अभिषेक बच्चन ने धूम 4 में काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका धूम 3 के टाइम पर आदित्य चोपड़ा से मतभेद हो गया था अपने रोल को लेकर के। कुछ स्क्रिप्ट में क्लाइमेक्स में कुछ इस प्रकार के चेंजेस किए गए थे जिसके बारे में अभिषेक बच्चन को कुछ नहीं बताया गया था, और आमिर खान के रोल को बढ़ा दिया गया था, जिस वजह से अभिषेक बच्चन काफी नाराज हुए थे। और जब उन्होंने इस संदर्भ में विजय कृष्ण आचार्य तथा जो आदित्य चोपड़ा से बात की तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था, तो उसके बाद में अभिषेक बच्चन तथा आदित्य चोपड़ा के जो मतभेद थे वो गहरा गए थे, और इसी कारण जब बंटी और बबली 2 अभिषेक बच्चन को ऑफर की गई थी तो अभिषेक बच्चन ने उसमें काम करने से साफ मना कर दिया था।
इसका एक कारण ये था, दूसरा कारण था अभिषेक बच्चन को बंटी और बबली टू की स्क्रिप्ट पसंद भी नहीं आई थी, और उनका ये फैसला सही भी था क्योंकि जिस प्रकार से बंटी और बबली टू बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हुई वो आप सब जानते ही है। फिर उसमें अभिषेक बच्चन की जगह सैफ अली खान को लिया गया था। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि अभिषेक बच्चन आजकल स्क्रिप्ट के मामले में काफी चुजी हो गए हैं, चाहे उनके पास फिल्में कम हो इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो आजकल बहुत ही सोच समझ करके स्क्रिप्ट चूज करते हैं, फिल्म चूज करते हैं, और इसका रिजल्ट ये है कि उनकी जो पिछली 4-5 फिल्में आई है सभी मतलब काफी ज्यादा पसंद की गई, उनका कंटेंट काफी अच्छा रहा है और अभिषेक बच्चन का अभिनय भी उन सभी फिल्मों में बहुत ही उम्दा रहा है, चाहे वो मनमर्जिया देख लीजिए आप, लूडो देख लीजिए, बॉब विश्वास देख लीजिए, द बिग बुल देख लीजिए, और अभी हाल ही में रिलीज उनकी फिल्म दसवीं देख लीजिए, सभी में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। यहाँ तक कि उनकी जो वेब सीरीज है द ब्रेथ इनटू द शैडोज उसमें भी उनका अभिनय बहुत ही लाजवाब रहा है। तो अभिषेक बच्चन फिल्मों के चयन के मामले में बहुत चूजी हो गए, वो बहुत सोच समझ करके फिल्म को साइन करते हैं। तो धूम 4 के बारे में लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि अभिषेक बच्चन को जरूर ऑफर किया जाएगा जय दीक्षित का रोल, लेकिन अभिषेक बच्चन ने यहाँ पर एक शर्त रख दी है कि उनका रोल भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए जितना कि आप विलेन के रोल को देते हो, जितनी फुटेज आप विलेन के रोल को देते हो उतना ही पावरफुल रोल अभिषेक बच्चन का भी होना चाहिए, तभी अभिषेक बच्चन ये फिल्म करेंगे, अदरवाइज अभिषेक बच्चन ये फिल्म नहीं करेंगे। और आप जानते हैं कि अगर जय दीक्षित के रोल में, अगर कोप जय दीक्षित के रोल में अभिषेक बच्चन की जगह किसी दूसरे कलाकार को साइन किया जाता है तो फिल्म का मजा वो नहीं रहेगा, क्योंकि दर्शक जय दीक्षित के रोल में अभिषेक बच्चन को देखने के आदि हो चुके हैं, और ऐसा एक्सपेरिमेंट वो मंटी और बबली टू में कर चुके हैं कि अभिषेक बच्चन की जगह उन्होंने सैफ अली खान को लिया था। फिल्म का क्या हुआ था आपको पता है, और इसी कारण से करण जौहर भी दोस्त आना टू नहीं बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी कास्टिंग पूरी चेंज कर दी है। तो दोस्तों ऐसा होता है जब कोई बहुत बड़ी फिल्म हिट हो जाती है तो उसका अगर आप अगला पार्ट बनाते हो तो दर्शक एक बार वापिस उन्हीं कलाकारों को देखना चाहते हैं उन आइकॉनिक रोल्स में। तो ऐसी कुछ मतलब सारे के सारे जो इस समय चर्चाएं चल रही है ऑफिशियल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अभिषेक बच्चन से भी बात की जा रही है, स्क्रिप्ट को भी अब की बार इस तरीके से शायद लिखा जाए कि अभिषेक बच्चन का रोल भी उतना ही दमदार हो जितना कि अक्षय कुमार का, जो कि शायद इस फिल्म में ना मतलब नेगेटिव किरदार निभाने वाले, विलेन का रोल निभाने वाले है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे ही पूरी खबर आती है, जैसे ही ऑफिशियल न्यूज आती है मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि अगले वर्ष से धूम 4 पर काम शुरू हो जाएगा। फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम इस समय चल रहा है और एक ही पार्ट नहीं बनेगा, 3-4 पार्ट इस फिल्म के लगातार बनाए जाएंगे और एक एक सुपरस्टार आपको नंबर से विलेन के रोल में नजर आते जाएंगे। अब अभिषेक बच्चन और आदित्य चोपड़ा किस प्रकार से अपने मन भेद मतभेद जो भी है वो दूर करते हैं और किस प्रकार से अभिषेक बच्चन वापिस आपको जय दीक्षित के रोल में दिखाई देते हैं, कोप के रोल में दिखाई देते हैं, और क्या उनकी बात मान करके उनका रोल पावरफुल बनाया जाएगा, ये सब देखने वाली बात होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपका इसके बारे में क्या विचार है अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।